हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AAC इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंग्लिश में अभिवादन कैसे किया जाता है, और हम साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किसी की अच्छे काम की तारीफ या सराहना इंग्लिश में कैसे की जाती है, या फिर किसी चीज़ की बधाई कैसे दी जाती है, इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप करे ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला वर्ड है गुड मॉर्निंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है सुबह का नमस्कार। और इसका इस्तेमाल आप सुबह 12 बजे के पहले किसी को अभिवादन करने के लिए करते हैं। हमारा अगला वर्ड है गुड आफ्टरनून, जिसका हिंदी में मतलब होता है दोपहर का नमस्कार। इसका इस्तेमाल आप दोपहर 12 बजे के बाद से शाम होने के पहले तक किसी को अभिवादन करने के लिए कर सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है गुड इवनिंग, जिसका मतलब होता है शाम का नमस्कार। और इसका इस्तेमाल आप शाम को 5 बजे से रात तक अभिवादन करने के लिए कर सकते हैं। अगला है गुड नाइट, जिसका मतलब होता है शुभ रात्रि। इसका इस्तेमाल रात को विदा लेने के लिए किया जाता है, या रात को अभिवादन करने के लिए किया जाता है। जब आप किसी से मिलते हैं और आपको उससे मिलने की खुशी होती है, तो आप कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा, और इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं नाइस टू मीट यू। जब कोई नया काम की शुरुआत करे, या कोई एग्ज़ाम दिलाने वाला हो, या कोई इंटरव्यू दिलाने वाला हो, तब उसकी कामयाबी की कामना करने के लिए आप कह सकते हैं विश यू सक्सेस, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुम्हें कामयाबी मिले। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करे, तो उसकी तारीफ करते हुए आप कह सकते हैं ग्रेट, जिसका मतलब होता है बहुत अच्छा। जब कोई किसी काम को करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास करे, और आपको कहना हो कि तुम्हारा प्रयास अच्छा लगा, तो आप उसे कहेंगे आई लाइक योर एफर्ट, या फिर आप कह सकते हैं आई रियली appreciate hard work, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुम्हारी मेहनत की कद्र करता हूँ। किसी के द्वारा कोई अच्छा काम किए जाने पर उसकी तारीफ करते हुए आप कह सकते हैं यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। अगर आपके पास कोई कंपनी है और आप अपने वर्कर का काम की तारीफ करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं यू आर अ ग्रेट एसेट फॉर अवर कंपनी, जिसका हिंदी में मतलब होता है आप हमारी कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। किसी की जन्मदिन की बधाई देने के लिए आप कहते हैं हैप्पी बर्थडे, जिसका मतलब होता है जन्मदिन मुबारक हो। जब कोई कहीं यात्रा के लिए निकले, तो आप उसकी यात्रा की शुभकामना देते हुए कह सकते हैं हैव अ गुड ट्रिप, जिसका हिंदी में मतलब होता है आपकी यात्रा सफल हो। जब आप किसी के हाथों की बनी कोई स्वादिष्ट खाना खाते हैं और आपका मन करे उसकी तारीफ करने का, तो आप कह सकते हैं व्हाट अ डिलीशियस फूड, जिसका हिंदी में मतलब होता है कितना स्वादिष्ट खाना है। या फिर आप तारीफ करते हुए कह सकते हैं यू आर अ ग्रेट कुक, जिसका हिंदी में मतलब होगा आप एक बहुत बढ़िया कुक हैं। किसी की अच्छी हैंड राइटिंग की तारीफ करते हुए आप कह सकते हैं हाउ ब्यूटिफुल योर राइटिंग इज, जिसका हिंदी में मतलब होगा तुम्हारी राइटिंग कितनी अच्छी है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो या आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।
ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग.